दोस्तों नमस्कार दोस्तों, फिर एक वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। यह वीडियो आप पहले भी देख चुके होंगे। मैं आपको लालपुरी डैम जो 1892 में बना हुआ है ब्रिटिशों के द्वारा, इसको कई बार 127 साल हो गए, को दिखा रहा हूँ कि जैसे जैसे ठंड ख़त्म हो रहा है पक्षियों का जमावड़ा भी ख़त्म होते जा रहा है। ये जो पक्षी आपको दिखेंगे खासकर विंटर में ही आती हैं। आप देख सकते हैं कैसे पक्षियों का जमावड़ा कम होते जा रहा है। देखिए ये पक्षियाँ जो हैं कैसे कैसे कम होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो सामने के तट पे जो पक्षियाँ दिखेंगे आपको दिखाएंगे, कुछ समय के बाद कुछ दिनों के बाद यह पक्षी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि ये जो पक्षी को जमा जो दिख रहा है कुछ समय के बाद यह पक्षी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक विंटर टाइप के पक्षी हैं और ख़ास कर विंटर में ही आते हैं। हम दिखा दें पक्षियों को कम होने की वजह है कि यहाँ का दूषित पानी जो यहाँ पे लोग कचरे फेंकते हैं, कपड़े धोते हैं, जो आम पब्लिक है यहाँ पर बहुत सारे लोग कपड़े भी धोते हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। जो उसका मेन रीज़न ये दूषित पानी की वजह से जो पक्षी है जो कम हो रही है वो हो रही है, इसी की वजह से यहाँ पर पक्षियों का जो मौरा धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। और हम दिखा दें एक पक्षी जो पनडुब्बी टाइप की हैं जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, शायद बीमार हो या क्या है पता नहीं, शायद बीमारी होगी। आपको दिखा दिया पक्षी, कैसे चुपचाप बैठी हुई है, शायद ये मुझे घायल लगी है चाहे इंजर्ड है, इसकी वजह से तैर नहीं पा रही है। हो सकता है इसको कोई प्रॉब्लम हो, इसके मुंह से देख सकते हैं कैसे पानी आ रहा है। आपको हम बता दें यह बर्ड शायद इंजर्ड है, देख सकते हैं आप इसके मुंह से पानी आ रहा है, शायद कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इस बर्ड को, जिसके वजह से यह अपने समूह से भटक के इधर किनारे पर बैठी हुई है। इसी तरह समय नए वीडियोस देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।